अब हम शुरू कर रहे हैं ऑप्टिक्स में नया सेक्शन जो कि है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, इसमें अब से हम अज्यूम करेंगे लाइट एक वेव है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था रे ऑप्टिक्स पढ़ा था, उसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। उसमें लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी, सब कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कैसे काम करता है। उसमें हम अज्यूम करते हैं लाइट इज़ ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बट अब ये चैप्टर में हम अज्यूम करेंगे कि लाइट इज अ वेव। ओके, डिफरेंस क्या है समझो। अगर हम एक लाइट रे की बात करें तो लाइट रे जो है एक डेफिनेट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, पर अगर हम एक वेव की बात करें तो वेव कैसी होती है? अगर तुम पानी में एक पत्थर को फेंको तो पत्थर के आसपास सर्कुलर वेव्स बनती हैं जो कि हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, है ना। तो एक रे जो है, रे का एक डेफिनेट डायरेक्शन होता है ट्रैवलिंग का, बट एक वेव का कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता। हर जगह भागेगी वो, साउंड वेव हर जगह भागती है ना। तुम्हारा वाईफाई सिग्नल देख लो, हर जगह मिलता है, मोबाइल का सिग्नल हर जगह मिलता है। तो रे का एक डेफिनेट पाथ है, वेव का एक डेफिनेट पाथ नहीं है। बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। ओके, अभी तक हमने जो भी पढ़ा था लाइट को एक डेफिनेट पाथ ट्रैवल करके ये सोच के पढ़ा था, बट अब हम जो पढ़ने वाले हैं भाई, लाइट पागल है, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये लाइट पागल है। तो इसमें हम आगे और डिटेल में जाएंगे, फिलहाल थोड़ी हम हिस्ट्री समझते हैं इसकी। तो सबसे पहले तो यार लाइट की वैसे बहुत पुरानी हिस्ट्री है, बट फिलहाल प्रॉपर थ्योरी में अगर जाते हैं, जो पॉपुलर थ्योरी जो तुमको इस चैप्टर में पढ़नी है, तो पहली तुम्हारी आती है कि हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स वेव थ्योरी या हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। पूरा नाम है क्रिश्चियन हाइगन्स आई थिंक। ओके, उसमें फिलहाल मैं पूरे नाम में तो नहीं जा रहा हूँ, देख लेना खुद गूगल करके। तो हाइगन ने बोला था कि लाइट इज वेव, लाइट इज वेव। उसने अपनी वेव थ्योरी प्रपोज की थी, उसमें कुछ उसने प्रिंसिपल्स अजम्पशंस बताए थे जो कि हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हाइगन्स थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्किप मत करना इसको, ध्यान से समझना है। अगले वीडियो में हाइगन्स थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ। तो हाइगन ने अपनी वेव थ्योरी दी, बट हाइगन उतना पॉपुलर साइंटिस्ट नहीं था अपने ज़माने का। हाइगन और न्यूटन लगभग सेम टाइम के हैं, तो न्यूटन भी उसके बाद आया। अब न्यूटन ने तो भाई हर जगह अपनी थ्योरी दी हुई है, तो न्यूटन ने लाइट पर भी थ्योरी दी थी। ओके, तो न्यूटन ने थ्योरी क्या दी कि लाइट इज पार्टिकल, है ना। न्यूटन ने दी है पूरी मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में सब कुछ पार्टिकल होता है, पार्टिकल सीधी रेखा में चलता है, अनलेस एंड अनटिल एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है। तो भाई न्यूटन ने लाइट के पे भी अपने लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर दिए। न्यूटन ने बोला लाइट इज पार्टिकल। प्रॉपर टेक्निकल वर्ड में जाएं तो पार्टिकल का उसने जो वर्ड यूज़ किया था वो था कॉर्पसल्स, रेड ब्लड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, बस वही वर्ड है ये, ठीक है, RBC WBC वाला कॉर्पसल। कॉर्पसल मतलब होता है पार्टिकल, ठीक। तो न्यूटन ने बेसिकली क्या दिया, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ये था न्यूटन का डन ऑप्टिक्स में। ओके, अब ऑब्वियसली न्यूटन क्योंकि भाई बड़ा नाम है, हाइगन छोटा मोटा नाम था, तो सब लोगों ने न्यूटन की बात मान ली कि लाइट इज पार्टिकल। बहुत सालों तक यही चलता रहा, लाइट पार्टिकल है। आई थिंक 200 साल या 400 साल, आई डोंट नो, नहीं हाँ सॉरी, 100-200 साल की बात है, ठीक है। तो न्यूटन ने जो थ्योरी दी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, 100-150 साल तक चलती रही। उसके बाद क्या हुआ, फिर आया यंग। ओके, यंग्स मॉडुलस वाला यंग है ये, अपने ज़माने में यंग था, अब तो मर गया है। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में अगर बोलें तो YDSE। इसने भाई पूरा मतलब थ्योरी बदल दी, इतिहास बदल दिया, इसने न्यूटन को गलत साबित कर दिया। तो यंग्स का जो ये एक्सपेरिमेंट था, ये भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट है बहुत, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट ने एस्टेब्लिश कर दिया कि लाइट इज वेव। इसने एस्टेब्लिश कर दिया कि लाइट इज वेव। कैसे वो बताऊंगा, ये एक्सपेरिमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन हो ही नहीं सकती, वेव नेचर से ही एक्सप्लेन हो सकती हैं। ओके, तो इसके बाद से न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी गायब हो गई, फिर वेव थ्योरी ऑफ लाइट वॉज द ओनली थ्योरी रिगार्डिंग लाइट, राइट। अब एक चीज़ समझो, हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स वेव थ्योरी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं,
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी बहुत ही बकवास है, रद्दी सी है, ठीक है। उसमें तुमको बस लॉज ऑफ मोशन सारे पार्टिकल थ्योरी, ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी में डाल देने कि लाइट इज पार्टिकल, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट विल चेंज इट्स पाथ वेन चेंजिंग द मीडियम, मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो पाथ चेंज करेगी, वरना स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, ओके। और बाकी रिफ्लेक्शन होगा तब भी लाइट अपना पाथ चेंज करेगी, इतना सा ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी बुक में पढ़ लो, लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है, वो मैं नहीं पढ़ाने वाला। तो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी बहुत आसान है, ओके। मेन तुम्हारा हाइगन्स वेव थ्योरी और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है आगे, पर अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन की थ्योरी तो भाई डिस्कार्ड हो गई, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमने एस्टेब्लिश किया कि लाइट इज वेव। बट फिर आज से लगभग 100 साल पहले आया आइंस्टीन, ठीक है। अब आइंस्टीन के ज़माने में यार कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जिससे कि वेव थ्योरी फिर से क्वेश्चन में आ गई कि भाई लाइट आखिर पार्टिकल है कि वेव है, वो फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो उस समय बता दो, दो चीज़ें हुई थी। आइंस्टीन के पहले एक अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी करके है, ये तुमको थर्मोडाइनेमिक्स में थोड़ा बहुत बताऊंगा इसके बारे में, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी, ठीक है। तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी, तो इसको ये जो है ये मतलब एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था भाई क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है ना। तो इसको एक्सप्लेन किया था आके प्लैंक ने, प्लैंक वही जो तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम, वही वाला प्लैंक है ये। तो इसने अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी को एक्सप्लेन किया थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब ये फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है। उसने एग्जैक्टली वैसे बोला नहीं क्वांटम मैकेनिक्स भाई ये शुरू होती है यहाँ से, ऐसा कुछ बोला नहीं, बट हाँ प्लैंक की थ्योरी के बाद आगे क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होना शुरू हुई। सो दिस वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर एक आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भाई ऐसा था जो कि सब साइंटिस्ट को पागल कर दिया। लाइट सबको तब तक लग रहा था कि वेव है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो ही नहीं पा रहा था। तब यहाँ पे आया आइंस्टीन, ठीक है। आइंस्टीन ने बोला कि अगर हम अज्यूम करें कि लाइट इज मेड ऑफ फोटोन्स, ठीक है, फोटोन मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी करके उसने बोला, अगर हम लाइट को अज्यूम करें इट्स मेड अप ऑफ फोटोन्स, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भाई बड़े आराम से एक्सप्लेन हो गया। तो न्यूटन की थ्योरी कॉर्पस्कुलर थ्योरी डिस्कार्ड हो चुकी थी, बट न्यूटन के 450 साल बाद आइंस्टीन ने वापस न्यूटन की थ्योरी को जिंदा कर दिया कि लाइट में बिहेव एज अ पार्टिकल, ओके। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट का वेव नेचर प्रूव करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूव करता है। तो उसके बाद से मॉडर्न फिजिक्स में हमने लिख दिया कि भाई ड्यूअल नेचर फॉलो करेगा लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एस्टाब्लिश हो गया मॉडर्न फिजिक्स में, आज हम यही चीज़ फॉलो करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसमें कंक्लूजन एक और क्या निकला कि अगर लाइट जो कि एक वेव है पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो डैट मीन्स पार्टिकल्स भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये तुम लोगों ने केमिस्ट्री में एटमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है, हाइजनबर्ग प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली वगैरह सब पढ़ा हुआ है ना। तो वही चीज़ है कि यहाँ से आज जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है वो ड्यूअल नेचर फॉलो करती है, क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ से शुरू हुई थी और उसमें ये सब फिर चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई, ओके। तो फिलहाल हमारा वेव ऑप्टिक्स का जो फोकस है वो क्या है, हाइगन्स वेव थ्योरी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ओके।